हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे इकोलॉजी ऑफ़ डेजर्ट्स की इसमें हम जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ़ डेजर्ट्स जो कि प्रेजेंट हैं और डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फोना जो कि इन डेज़र्ट्स में ऑल टाइप ऑफ डेजर्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इकोलॉजी ऑफ डेजर्ट्स Deserts are landforms of sand and sandiments. They are cradles of centrifugal eolian forces. Among all the terrestrial ecosystems, deserts are typical landforms due to their unique ecological conditions. Deserts and near deserts areas cover nearly one third of the land surface of the globe. Whatever total globe, one third area डेट्स कवर द लैंड सर्फिस वी नॉर्मली कॉल डेजर्ट ए सैन सीज और ओशियन ऑफ सेंड्स जैसे आपको सभी पता है बिकॉज वी बिलोंग ऑल बिलोंग टू बीकानेर तो यहाँ पर आप सैन डूज देख सकते हैं मिट्टी मिट्टी होती है हर जगह तो इनको हम सैन सीज या ओशियन ऑफ सेंड्स भी कहते हैं मोस्ट ऑफ द मेजर डेजर्ट्स लाइक एज सहारा द अरेबियन द कालहारी एंड द डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑल लाइ बिटवीन टेन एंड थर्टी डिग्रीज नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर द इक्वेटर के दोनों तरफ थर्टी डिग्रीज पर डिफरेंट जो डेजर्ट्स हैं वो पाए जाते हैं डेजर्ट्स आर ड्राई इको सिस्टम कंप्राइजिंग ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द ग्लोब द फॉलोविंग आर द मॉड्यूल्स कवर्ड इन दिस यूनिट तो इस वीडियो में हम क्या क्या थोड़ा बहुत जानेंगे किस किस के बारे में जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ डेजर्ट देन टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स फ्लोरा ऑफ डेजर्ट्स फोना ऑफ डेजर्ट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ डेजर्ट्स जियोमार्फोलॉजी ऑफ डेजर्ट्स ये क्या होती है डेजर्ट्स आर क्रिएटेड बाई चेंजेस इन क्लाइमेट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड एंड अदर रॉकी वेस्ट अ हाई प्रपोर्शन ऑफ़ द डेजर्ट फ्लोर इज एन इरोजन सरफेस ऑफ अ बैड रॉक सैंड कवर्स अबाउट टेन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ द डेजर्ट्स द रेस्ट ऑफ द लैंड कंसिस्ट मोस्टलीउंटेन्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स द सैंड बॉडीज ऑफ डेजर्ट्सिंग मोशन ड्यू टू द प्रिंग एक्शन ऑफ विंड मतलब जो सैंड है मिट्टी है वो हमेशा क्या होता है घूमती रहती है विंड के एक्शन से जैसे अपन देखते हैं यहाँ पर गर्मी में तेज लू में जो टीले के टीले एक जगह से उठ के दूसरे जगह पर आ जाते हैं ड्यून्स आर द करेक्टराइज बाई टू साइड स्लोप वन अलॉन्ग दिन विंड वॉट डर एक्शन एंड द अदर द लीवॉर साइड डेजर्ट्स एर करेक्टराइज बाय द फॉलोविंग ईकोलॉजिकल फैक्टर्स अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं डेजर्ट्स के इकोलॉजिकल सैंडी सॉइल एंड रॉकी सबस्टेटम ओके स्केंटी रेनफॉल एंड हाई ईवेपोरेशन तो पहला तो सॉइल होती है सैंडी सॉइल सबस्टेटम रॉकी होता है जो रेनफॉल है वो बहुत कम होता है ईवेपोरेशन क्योंकि बहुत तेज हाई टेम्परेचर होता है तो ई वैपोरेशन बहुत हाई होता है हॉट एंड कोल्ड वेदर एक्सट्रीम हॉट होती है और सर्दी में एक्स्ट्रीम ठंड होती है प्रिवेलिंग विंड एक्शन पुअर सॉइल मॉइस्चर एंड वाटर रिसोर्सिस बिकॉज डेजर्ट है तो सॉइल मॉइस्चर भी बहुत कम होता है और वाटर के रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं Soils in desert regions are generally fertile but lack soil moisture to encourage plant growth. Rainfall is a determining factor of deserts. Rainfall is very scanty in all desert regions in spite of these deserts are not barren wastelands. इसके मतलब ये ये बंजर भूमि नहीं होते हैं इसके बावजूद भी कि यहाँ पर rainfall बहुत कम होता है most of the deserts receives less than 200 mm rainfall per year. hai. however, the amount of rainfall may vary greatly from year to year. a desert may not receive any rain for several years, and in some cases about 250 mm of rain might fall within a few hours. desert plants cannot use so much water at once, and the desert soil cannot absorb all of it. मोस्ट ऑफ द वाटर रन ऑफ कैरिंग अवे द सॉइल पार्टिकल्स बिकॉज जो सॉइल है या सैंडी सॉइल है उसमें एब्जॉर्बशन की क्षमता नहीं होती तो यदि पानी बारिश होती भी है तो वो पानी को रिटेन नहीं कर पाती हैं और इस तरह से जो प्लांट्स को मिलने वाला पानी है वो बहुत कम रह जाता है then we the, will discuss about the types of deserts con conse types ke deserts desert so the distribution of arid regions of deserts is determined by the climate and topography such as the arid terrains may be sub subdivided into ट्रॉपिकल डेजर्ट्स एंड टोपोग्राफिक डेजर्ट्स तो उनकी क्लाइमेट और टोपोग्राफी के आधार पर हम दो तरह के डेजर्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ट्रॉपिकल एंड टोपोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल डेजर्ट्स इंक्लूड इन रेनफॉल और लेस देन 250 फिफ्टी एम एम पर ई वेरी हाई इवेपोरेशन रेट्स दैन ऑफन ट्वेंटी टाइम्स द एनिमल प्रसिपिटेशन एंड लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन क्लाउड कवर तो ये जो सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं लो रेन फॉल लो ह्यूमिडिटी एंड हाई इवेपोरेशन ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं सभी तरह के डेजर्ट्स में अब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स क्या होते हैं द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैव अ बिग डायर्नल टेम्परेचर रेंज एंड अ वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर वेर एज मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स हैव ए वाइड एनुअल रेंज एंड मच लोअर विंटर टेम्परेचर ओके okay, तो ये ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के करैक्टरिस्टिक्स हैं देन टोपोग्राफिक डेजर्ट्स द कंट्रोल्स ऑन द डेजर्ट फॉर्मेशन ऑल्सो अ डेफिशिएंसी इन रेनफॉल टोपोग्राफिक डेजर्ट्स आर लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ कॉन्टिनें वेयर क्लाइमेट्स आर हॉट इन समर एंड कोल्ड इन ड्राई विंटर दीज रीजं आर टिपिकली फार फ्रॉम ऑइन मॉइस्चर सोर्सेज एंड मोस्ट ऑफ एन आर कट ऑफ फ्रॉम रेन बियरिंग विंडस बा हाई द जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेजर्ट्स ऑल्सो इंक्लूड अब जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से डेजर्ट्स आते हैं ये कई बार आ जाता है कि ये गोभी डेजर्ट्स है या सहारा है ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं तो कॉन्टीनेंटल डेजर्ट्स का एग्जाम्पल है गोभी डेजर्ट ये भी एक डेजर्ट है रेन शेडो डेजर्ट्स ड्यू टू ऑल माउंटेन रेंज इज़ एग्जाम्पल जूडियन डेजर्ट इन इज़राइल दैन कोस्टल डेजर्ट्स दिस इज अटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका नामबेम डेजर्ट इन अफ्रीका दैन ट्रे ट्विन डेजर्ट सहारा डेजर्ट टेम्परेचर गोज अप टू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस देन मानसून डेजर्ट्स थर्ड डेजर्ट इन इंडिया जिसके बारे में मैंने कल ही आपको वीडियो अपलोड किया है निकोसिस्टम इन थर्ड डेजर्ट्स तो ये थर्ड डेजर्ट इन इंडिया ये मानसून डेजर्ट में आता है दैन कॉलिस्टन डेजर्ट इन पाकिस्तान ये कल मैंने कोट किए थे दोनों एग्जाम्पल्स देन पोलर डेजर्ट्स पोलर जैसे कि पोलर में होते हैं दे आर ड्राई वैल्यूज ऑफ एंटार्क्टिका आर आइस फ्री फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स देन एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल डेजर्ट्स डेजर्ट्स ऑफ अदर प्लान एग्जाम्पल मार्स हैव शोन ईलियन फीचर्स एंड देन द माउंटेन डेजर्ट्स ओके तो ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स हो गए उनके नाम हो गए कि कौन कौन से डेजर्ट्स को हम किस नाम से मतलब कौन कौन से डेजर्ट्स को हम कौन कौन से कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं दैन फ्लोरा ऑफ डेजर्ट्स तो फ्लोरा डिफरेंट हमने कल ही पढ़े थे कि कौन कौन से जो फ्लोरा हैं वो डेजर्ट्स में मेनली प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर हम उनके करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं मोस्ट ऑफ़ द डेजर्ट्स प्लांट्स अ ड्रॉट और सॉल्ट टॉलरेंट सच एज जीरो फाइव सम स्टोर वाटर इन दियर लीव रूट एंड स्टेम अदर डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग टैप रूट्स दैट पेनिट्रेट द वाटर टेबल एंकर द सॉइल एंड कंट्रोल इरोजन The stems and leaves of some plants can lower the velocity of sand carrying winds and protect the ground from erosion. The following three life forms of plants that are adapted to deserts are the the annuals, which avoid drought by growing only when there is adequate moisture.

Rather than an increase in the transpiration efficiency, desert soils are infertile, lacking in humus, and generally gray or red in color. डेजर्ट्स कैन नॉट सपोर्ट द एबंड प्लाट एंड एनिमल लाइफ एज फाउंड इन हीड क्लाइमेट्स बट मैनी काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्राइव इन डेजर्ट्स मतलब इसके बावजूद भी कि डेजर्ट्स के अंदर पानी की बहुत कमी होती है और बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल लाइफ सर्वाइव नहीं करते पर उसके बावजूद भी बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि डेजर्ट्स के अंदर सर्वाइव करते हैं या रहते हैं द फ्यू प्लांट्स केपेबल ऑफ सर्वाइविंग सच कंडीशन और वाइल्डली स्पेस्ड स्क्रबिंग एंड ऑफन थॉर्निंग आपको पता ही है कि किस तरह के प्लांट्स होते हैं लॉन्ग रूटेड प्लांट्स फ्रीटोफाइट सच एज द डेट फॉर्म एंड एंड मस्कवाइट कॉमनली ग्रो अलॉन्ग द ड्राई स्ट्रीम चैनल्स देन सॉल्फ लविंग प्लांट्स जिनको हम कहते हैं हेलोफाइट्स या लवन मृदोभीद सच एज सॉल्ट बुशेस ग्रो इन एरियाज ऑफ हाईली सेलाइन सॉइल्स एंड नियर द एजेस ऑफ प्लायाज लाइक ड्राई सेलाइन लेग्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्लायाज जीरो फाइट्स ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव बाय रिमेनिंग लीफलेस ड्यूरिंग द ड्राई सीजन और बाय रिड्यूसिंग वाटर लॉसेज विथ स्मॉल वैक्सी लीव्स They frequently have shallow and widely branching root system and store water during the wet season for example succulents and cacti with pulpy stems. देन फोना ऑफ डेजर्ट्स ये भी मैंने कल जब हमने थार डेजर्ट्स के वीडियो पढ़ा था या बनाया था उसमें हमने डिटेल्स में कई एनिमल्स बताए थे जो कि डेजर्ट्स में मेनली मिलते हैं इसको भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर एंड वेज ऑफ लाइफ दैट इनेबल दैम टू सरवाइव अंडर द एक्सट्रीम हीट सेंटिपीज जरबिल्स कैंगारूज रेड स्नैक्स एंड स्कॉर्पिय स्पेंड द डे इन बरोज दे कम आउट सर्च फॉर फूड ओनली वन टेम्परेचर ड्रॉप एट नाइट मैनी इंसेक्ट लीजर्स एंड टॉर्टोइजेस कैन टॉलरेट हाई डेजर्ट टेम्परेचर एंड आर एक्टिव इन द डे टाइम तो कुछ तो जो एनिमल्स जो बहुत ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते हैं टेम्परेचर वो दिन में तो अपने अपने बरोज में बिल में घुसे रहते हैं और जब रात को टेम्परेचर कम हो जाता है तब वो बाहर निकलते हैं इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स एंड लीजर्स एंड टोर्टॉइज जो कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं वो डे टाइम में भी एक्टिव रहते हैं But even they must retreat underground or find the shade of a tree during the hottest part of the day. Some snails, insects, frogs, lizards, mice, and ground squirrels estivate in deserts, that is, they sleep through the summer. मतलब वो पूरे जब हॉट ये जो कुछ एनिमल्स हैं वो पूरे हॉट टाइम में या पूरे समर के दौरान ये करते हैं सोए रहते हैं और जब टेम्परेचर्स नॉर्मल हो जाता है तब तो वो वापस अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं एल्फाउल्स रोड रनर्स स्नैक्स स्पाइडर्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर द अदर फोना ऑफ डेजर्ट्स मैनी डेजर्ट ड्वेलर्स हैव लाइट कलर स्किन विच हेल्प्स कीप दैम कूल बाई रिफ्लेक्टिंग सनलाइट Desert animals include many kinds of insects, spiders, reptiles, birds, and mammals. डियर फॉक्सिस वुल्स एंड अदर एनिमल्स में विजिट ए डेजर्ट आफ्टर अ रेनफॉल तो कुछ जो होते हैं वो विजिटिंग फैकल्टी मान लो मतलब विजिटिंग होते हैं कि जब रेनफॉल हो जाती है तब वो दूसरी जगह से यहाँ पर आ जाते हैं जैसे डियर हैं फॉक्सेस हैं वुल्स हैं एक्सेट्रा मोस्ट डेजर्ट एनिमल्स अवॉइड द एक्सट्रीम मिड डे हीट बाई फीडिंग एट नाइट आफ्टर द टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड मतलब अधिकतर जो एनिमल्स हैं वो दिन का जो बहुत हाई टेम्परेचर है उसको अवॉइड करते हैं और वो तभी बाहर निकलते हैं शाम को या रात को जबकि टेम्परेचर कुछ कम हो जाता है मैनी स्मॉल एनिमल्स डिग बरोज अंडरग्राउंड एंड स्टे दियर ड्यूरिंग द डे सम ऑफ दीज एनिमल्स आर डॉर्मेंट थ्रू आउट द समर मतलब वो इनएक्टिव रहते हैं समर के दौरान और जब टेम्परे नॉर्मल कंडीशन ज़्यादा आती तब वो एक्टिव मोड में आते हैं अब कैमल कैमल आपको सभी पता है जिसको हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं तो डेजर्ट का में मेनली एनिमल कौन सा इंपॉर्टेंट है कैमल अ कैमल कैन लिव फॉर मंथ्स ऑन द वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन इट्स बॉडी ब्रेक्स डाउन दिस फैट फॉर यूज एनर्जी मोस्ट डेजर्ट्स लाई नियर द एजेस ऑफ द ट्रॉपिक्स फूड एंड वाटर आर ऑफन स्कास इन डेजर्ट्स एंड टेम्परेचर इन द समर कैन बी स्कॉर्चिंग डिस्पाइज दिस कंडीशन मैनी काइंड ऑफ एनिमल्स लिव देयर मतलब इतने क्रिटिकल कंडीशन होने के बाद भी हाई हीट लो वाटर तो भी बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं पीपल लिविंग इन डेजर्ट रीजन्स मस्ट एडजस्ट टू द लोकल एंड प्रिवेलिंग हॉट और ड्राई क्लाइमेट Air conditioning and irrigation projects have made life more comfortable for other desert dwellers. The, now uh, natural resources kya hote deserts ki. Deserts have enormous sands and soil resources. The soil of deserts are mineral soils often called as arid soils with low organic content most desert soil is too dry to support widespread vegetation but much of it is rich in salt uranium and other minerals playas are sources of mineral deposited formed by the evaporation gypsum sodium nitrate sodium chloride salts and borates are the major precipitates minerals formed by the evaporation are often referred to as evaporites Many of them are used in the manufacture of glass, ceramics, enamel, agriculture chemicals, water softeners, and pharmaceuticals. Sodium nitrate are used for explosives and fertilizers. Many metallic and non-metallic mineral sources also are obtained from the desert stones. तो ये देख सकते हैं कि आप मतलब कौन कितनी important और कितनी चीज़ें हमें यहाँ पर जो natural resources के रूप में desert से मिलती हैं So thank you so much. ये एक refreshment समझ लीजिए एक काइंड kind ऑफ of आपको जो हम पढ़ चुके हैं और उसको डिफरेंट एंगल से देखने के लिए मैंने ये आपको वीडियो शेयर किया है सो थैंक यू सो मच